में उनकी आपबीती आप उन्हीं की जबानी सुनिए। कल रात जद्दोजहद में बीती, सिवांगी अंदर थानाध्यक्ष के चैम्बर में एक महिला कांस्टेबल के साथ में थी, तो रात भर मैंने जगना ही बेहतर समझा। मैं रात भर जगा रहा और उसे जब भी जरूरत पड़ती थी वो फोन करती थी, पानी की जरूरत होती या किसी भी तरह की जरूरत महसूस होती थी वो हमको फोन करके बताती थी, फिर बाहर से मैनेज करते थे जी। फिर उसके बाद इसके अलावा मेरे साथ जो पर्सनल प्रॉब्लम था वो मेरे आंख पे आप ये स्पॉट देख रही होंगी, यहाँ पे अंदर में कई जगह पे नोच दिया था इसके बहन ने, इसकी मम्मी ने और इसके दूसरे रिलेटिव्स ने, इसके ब्रदर इन लॉ ने। मेरा हाथ दो दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था, इसको ऐंठ दिया बुरी तरह। इसको ऐंठने के बाद रात भर दर्द होता, काफी दर्द हुआ और रात भर मैं सो नहीं पाया। एक तो रीजन था नहीं सोने का शिवांगी, क्योंकि वो अंदर में थी, और दूसरा रीजन था मेरा दर्द और ये सब नोचा जाना। क्या खाया रात भर? रात में मैंने अपने रिलेटिव्स जो मेरे आए हुए थे उनसे खाना मंगवाया था बाहर से पैक करके, तो उसके लिए भी और मेरे लिए भी दोनों में हम लोग खाए। और उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम लोग दोनों ने सोचा है, हम दोनों को साथ में रहने का मौका मिलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप हम लोगों के फेवर में सब कुछ हो, क्योंकि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं और हम दोनों बालिक हैं।